टच स्क्रीन्स आर ऑल्सो अनदर फॉर्म जो के ऑफ टेक्नोलॉजी जिनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर इंट्रैक्शन पर्पजेस। सिंगल टच स्क्रीन्स भी होती हैं जो कि आप लोग बड़े कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं जब आप किसी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, किसी कियोस्क में जाते हैं या लेट्स से एटीएम मशीन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे सिंगल टच स्क्रीन मशीन्स होती हैं जहाँ पे आप सिंगल फिंगर से कोई इनपुट देते हैं और वो इस इनपुट के अकॉर्डिंगली काम करता है। देन वी हैव मल्टीपल टच स्क्रीन, जैसा करंटली आपके पास जो मोब स्मार्टफोन्स आ रहे हैं दे आर यूजली मल्टी टच सर्फेसिस विच एक्चुअली सपोर्ट मल्टीपल जेस्चर्स लाइक स्वाइपिंग, फ्लिकिंग, पिंचिंग। आप जूम करना चाहें तो टू फिंगर से जूम कर सकते हैं। तो ये स्मार्टफोन्स वगैरह में या मल्टी टच सर्फेस में डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। फिर उसके अलावा आपके पास डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो डिफरेंट ऐसे टच सर्फेसिस के लिए बनाई जाती हैं दे आर ऑल्सो सपोर्ट, यूजली दे सपोर्ट मल्टी टच, क्योंकि द टास्क दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड यूजिंग दोज डिवाइसेज आर ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर एंड दे यूजली मे नॉट बी डन विद अ सिंगल फिंगर जेस्चर। तो आपको फिर मल्टीपल फिंगर्स की सपोर्ट से आपको डिफरेंट काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं उसमें। इसके दौरान इसके टच स्क्रीन के डिज़ाइन में जो चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंटली जहन में रखनी होती हैं उसमें एक तो इसका अफेक्ट है कि जी कितने साइज़ की स्क्रीन है और उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी। व्हाट इफ द ओरिएंटेशन ऑफ द डिवाइस चेंजेस, फॉर एग्जांपल ओरिएंटेशन ऑफ अ मोबाइल फोन चेंजेस। तो आपकी जो टच की मैपिंग है, टच इनपुट की मैपिंग, वो कैसे शिफ्ट होगी, कैसे अफेक्ट होगी। सो इट मे ऑल्सो भी कि आपको किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए आप उस मैपिंग को डिसेबल कर दें। सो नाउ यू आर कम्युनिकेटिंग टू योर यूजर्स दैट योर ऐप शुड ओनली बी यूज्ड फॉर अ सर्टन ओरिएंटेशन, लेट्स से लैंडस्केप ओरिएंटेशन में, विच इज़ मोर फिजिबल व्हेन अ पर्सन इज प्लेइंग गेम्स। फिर इसमें एक चीज कंसिडरेशन दूसरी है कि जेस्चर्स को लर्न करना इज आर ट्रेवलिंग टास्क, सो यू डू नॉट वॉन्ट टू मूव टू मच अवे फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स विद इन द जेस्चर्स डोमेन। तो जेस्चर्स के जो कुछ खास, लेट से जूम करने के लिए अगर कोई जेस्चर है या राइट स्वाइप करने का जेस्चर है, सो इट शुड मीन राइट स्वाइप व्हेन इट्स अ राइट स्वाइप जेस्चर एंड यूजर शुड नॉट हैव टू लर्न एवरी जेस्चर एक्शन एफिलिएशन फ्रॉम स्क्रैच। सो जेस्चर्स एंड एक्शंस दैट आर फ्रिक्वेंट शुड बी फॉलोड अकॉर्डिंगली, जो कि डिफरेंट ऐप्स के अंदर अगर कंसिस्टेंटली डिजाइंड हैं और यूज हो रहे हैं, लेट्स से बैक का एक्शन है, फॉरवर्ड का एक्शन है, जूम का एक्शन है, सो इफ दे आर सम फ्रीक्वेंट एक्शंस सो दे शुड नॉट हैव टू बी रीडिफाइंड बिकॉज देन इट विल इम्पैक्ट यूजर एक्सपीरियंस विच इज नॉट द आइडियल सिचुएशन। मोबाइल इंटरफेसेस हमारे पास आ जाते हैं जी, इसके अंदर आपके पास हैंडहेल्ड डिवाइसेस हैं जो कि यूज़ की जा रही होती हैं जब यूजर्स मूव कर रहे हो, ऑन द मूव होते हैं। अब मोबाइल इंटरफेसेस बेसिकली पहले भी थे, लेकिन पहले देवर इनपुट बेस्ड ऑन द बटन्स। अब आपके पास टच स्क्रीन बेस्ड मोबाइल इंटरफेसेस आ गए और ये इसके अंदर फिर एक वेरिएशन आपके पास लार्ज साइज टैबलेट्स की आ जाती है जो कि डिफरेंट कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी यूज़ की जा रही होती हैं, सच एज के अगर कोई मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स हैं या किसी आउटलेट पे आप गए हैं तो वहाँ पे वो आपको डेमो दिखाने के लिए या डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए टैबलेट्स यूज़ कर रहे होंगे बिकॉज टैबलेट्स हैव अ बिगर डिस्प्ले। इट्स मच ईजियर टू शेयर द व्यू ऑफ दैट डिस्प्ले विद लेट्स से अ कस्टमर दिस व्हेन कंपेयर्ड विद अ मोबाइल फोन मे गिव सम एडवांटेज, क्योंकि मोबाइल फोन की जो ओवरऑल स्क्रीन साइज है दैट इज लेसर एज कम्पेयर टू टैबलेट्स। तो मोबाइल इंटरफेसेस आपके पास आ गए हैं और उसके अंदर डिफरेंट वेरिएशंस आर अवेलेबल। नाउ इट्स अप टू अस कि हम किस टाइप के डिवाइस को यूज करना चाहेंगे फॉर व्हाट स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर कुछ रिसर्च और डिज़ाइन कंसिडरेशन जो हमें जहन में रखनी होती हैं दे इंक्लूड के मोबाइल इंटरफेसेस को यूज़ करना कैन बी चैलेंजिंग बिकॉज लेट्स से द मेजर इनपुट मीडियम इज़ द फिंगर्स, तो वो जो फिंगर्स हैं दे मे बी
different in size. तो fingers को जो angle है that could be different, या fingers actually it could be if it's a fat person using the device, तो fingers could be more thick than normal average weight user. तो अब इसके scenario के अंदर you need to align your buttons and click options so that different users can view things differently as per their convenience. Similarly, if someone is let's say a kid and you want to make sure ki wo kisi khas cheez pe click kar raha ho, to how do you achieve that? To ye ab different age areas, different application domain ke perspective se fir aap design karte hue ye cheeze sochte hain. फिर वो बटन्स को कहाँ प्लेस करना है, उन बटन्स के आइकन्स का क्या मीनिंग है. स्पेस शुड जनरली बी गुड बिग इनफ फॉर ऑल फिंगर्स, कि आप कोई भी फिंगर से प्रेस कर रहे हैं तो आपका जो गोल है वो अचीव होना चाहिए. बिकॉज अगर ये गोल अचीव नहीं होगा तो यूजर में इनपुट इनकरेक्ट डेटा लेट्स से या गिव इनकरेक्ट इनपुट्स. This is something that should be taken care of. Virtual reality is another way जिससे हम एक इंटरफेस है जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट कर सकते हैं. सो द आइडिया इज के जो कंप्यूटर है वो सिमुलेशन जनरेट करता है, ग्राफिकल सिमुलेशन, और हम उसकी बेस पे डिफरेंट फैक्टर्स को एनालाइज कर सकते हैं या डिफरेंट उसके बेनिफिट्स उठा सकते हैं. तो ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है यूजर को, और दिस इज मोर एंगेजिंग एज कम्पेयर टू जस्ट वॉचिंग अ वीडियो, बिकॉज आप एक्चुअली उस एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं यूजिंग द इनपुट डिवाइसेस, एंड यू कैन एक्चुअली गेट फीडबैक. तो वो दैट इज समथिंग दैट मेक्स द डोमेन ऑफ वर्चुअल रियलिटी वेरी एक्साइटिंग एंड यूजफुल. इसके डिफरेंट एक्सप्लीकेशन एरियाज हैं जी, जैसा वीडियो गेम्स में भी यूज हो सकता है, ये थेरेपी परस्पेक्टिव से इसको यूज़ किया जा सकता है, यानी कि मेडिकल इसकी एप्लीकेशन है. फिर उसके अलावा अगर आप यूज़र को एक एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं फ्रॉम द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, लेट्स से कि दिस इज द रूम दैट यूज़र इज गोइंग टू बी स्टेइंग इन, लेट्स से फ्रॉम द टूरिज्म परस्पेक्टिव, तो आप उसके वर्चुअल टूर के थ्रू आप उसको एक फील दिला सकते हैं कि दिस इज हाउ द फैसिलिटी लुक्स लाइक. फिर आप एनरिच कर सकते हैं यूज़र एक्सपीरियंस को फ्रॉम ट्रैवल डेस्टिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि कौन सी डेस्टिनेशन अच्छी हैं, उनका एक्सपीरियंस अगर वर्चुअल रियलिटी में उसको होगा तो ही वुड बी एबल टू अप्रिशिएट एंड ही माइट बी मोर लाइकली टू विजिट दैट लोकेशन. उसके अलावा इसके डिफरेंट जो अदर पॉसिबल यूजेस हैं दे इंक्लूड आर्किटेक्चर, डिज़ाइन एंड एजुकेशन. सो दिस इज फ्रॉम द फन परस्पेक्टिव, कि अगर आप एक राइड को एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं सो आपके पास यहाँ पे जो चीज़ उस बंदे को आँख में वर्चुअल रियलिटी किट में नज़र आ रही है दैट इज़ बींग शोन ऑन द स्क्रीन हेयर, कि वो जब उसमें बैठा हुआ है तो उसको वो चीज़ नज़र आ रही है, और नीचे जो उसका सारा बाकी का इक्विपमेंट है दैट इज़ टू हेल्प द यूज़र गेट द रियल या क्लोज टू नियर एक्सपीरियंस. इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स जो कि हमारे जहन में होने चाहिए वो ये है कि ये हाई लेवल फिडेलिटी है, और जब इट कैन नॉट बी इमेजिनड एट अ लो लेवल, बल्कि एक्चुअली आपको हाई टेक्निकल स्किल और हाई कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी इवन फॉर क्रिएशन ऑफ प्रोटोटाइप्स फॉर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्चुअल रियलिटी. इट डज गिव अ सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, तो उस एक्सपीरियंस की वजह से आपका जो एक प्रोडक्ट के साथ एफिलिएशन है दैट कैन बी बिल्ट विच कुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग. फिर आप उसके अंदर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं, लेट्स से फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन व्यू पॉइंट क्रिएट करके आप इस चीज़ को ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बना सकते हैं. रिसर्च एंड डिज़ाइन कंसिडरेशंस, हाउ टू डिज़ाइन सेफ रियलिस्टिक वी आरस when we are going for training, let's say आप flight simulators बना रहे हैं, driving simulators बना रहे हैं, therapy के perspective से आप चीज़ बना रहे हैं, तो आपको you have to take into account multiple different factors ताकि आप इतनी
एक्सट्रीम लेवल की वी आर ना बना दें कि पीपल बिकम अनएबल टू हैंडल, बल्कि उसके अंदर इंक्रीमेंटल लेवल ऑफ डिफिकल्टी को इनकॉर्पोरेट करना मे बी एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द डोमेन यू आर वर्किंग ऑन. फिर उसके अलावा डिज़ाइन इश्यूज हो सकते हैं. विद दिस आर कॉमन डिज़ाइन क्वेश्चन इज कि आप फर्स्ट पर्सन में बनाना चाह रहे हैं या थर्ड पर्सन में बनाना चाह रहे हैं इस पूरे एक्सपीरियंस को, या इट कुड ऑल्सो बी कि आप फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन दोनों को इनेबल करना चाहें डिपेंडिंग ऑन सम एक्सटर्नल फैक्टर्स. फिर उसके बाद इंट्रैक्शंस और मूवमेंट्स को कैसे आपने मैप करना है, कि लेट्स से हेड मूव कर रहा है या बॉडी मूव कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने कौन से पैरामीटर चेंज करने हैं और क्या उसकी बेस पे इन्वायरमेंट के अंदर फर्दर कोई चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगी या नहीं होंगी. सो दीज कुड बी डिफरेंट सेंस डिफरेंट क्वेश्चंस दैट नीड टू बी एड्रेस्ड व्हेन चूजिंग टू गो फॉर वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट. वॉइस यूजर इंटरफेस आर अ कॉमन यूजर इंटरफेस, स्पेशली इन द रिसेंट ईयर्स दे हैव बीन अडॉप्टेड एट अ वेरी लार्ज स्केल. इसके अंदर यूजर जो होता है वो अपनी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर बात करता है और कंप्यूटर जो होता है उसको अंडरस्टैंड करता है. सो इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट कि आप इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कमांड्स उसको बता दें और कंप्यूटर सिर्फ उन्हीं को रिकग्नाइज करे, या फिर आप अपनी नेचुरल लैंग्वेज में बात करें और कंप्यूटर उस पूरी कमांड को रिकग्नाइज करके उसको इंटरप्रेट करे और उसके ऊपर एक्ट करे. सो बोथ ऑफ द ऑप्शंस कुड बी देयर, डिपेंड करेगा आपके सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर. सो द आइडिया इज कि ये सिस्टम जो होगा ये मॉडल कर रहा होगा ह्यूमन कन्वर्सेशन को, और इसके अंदर एक चैलेंज भी ये आएगा कि पीपल जनरली देर आर मल्टीपल पीपल इन द सोशल सेटिंग. सो इफ अ डिवाइस हैज़ टू लिसन टू ह्यूमन कन्वर्सेशन एंड रिस्पॉन्ड टू द स्पीच बेस्ड इंस्ट्रक्शंस, तो कंप्यूटर शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि किस यूज़र की इंस्ट्रक्शंस को सुनना है. एंड इफ इट इज़ डिज़ाइन टू सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स, तो फिर वी हैव टू टेक इन टू अकाउंट कि इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि एक पर्सन कुछ बोल रहा हो और देन उसके बीच में दूसरा पर्सन कुछ और बोलना शुरू हो जाए. सो कंप्यूटर शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या बात है, विच इज़ द कमांड दैट मस्ट बी फॉलोड, एंड इफ टू कमांड्स आर मर्जिंग तो उस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करना है इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग एक्सट्रीमली ऑपोजिट एंड ऑफ सेंसिटिव नेचर. कोई ऐसी चीज़ करने से पहले कंप्यूटर शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि लेट्स से टू जनरेट अ वार्निंग और जस्ट टू डिस्कार्ड बोथ ऑफ द कमांड्स. तो इस तरह की चीज़ें आपने अपने रिसर्च के अंदर आइडेंटिफाई करनी होती हैं और इनको इम्प्लीमेंट करवाना होता है टू मेक श्योर कि सिस्टम्स हैव मिनिमम रिस्क. तो इसके अलावा आपके पास ये भी एक ऑप्शन हो सकती है कि क्या जब कंप्यूटर के साथ कन्वर्सेशन हो रही है तो यूजर्स हैव टू वेट फॉर द कंप्यूटर टू एंड इट्स आउटपुट, या एक्चुअल में यूजर्स विदिन ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन अपनी इनपुट दे सकते हैं. सो इफ यू वर टू थिंक ऑफ इट इन वेरी इन अ रीजनेबली ट्रेडिशनल सेंस, तो आपके पास मोबाइल और फोन के अंदर डिफरेंट जब आप सर्विसेज पे कॉल करते हैं तो देर इज एन IVR, सो इंटरेक्टिव वॉइस रिकॉर्डिंग जो है उसके अंदर आपके पास ऑप्शन आ रही होती है कि फॉर दिस थिंग प्रेस वन, दिस फॉर दैट थिंग प्रेस टू, एंड देन फॉर अनदर मेन्यू प्रेस थ्री, एंड फॉर सम अदर मेन्यू प्रेस फोर. नाउ डू यू लेट्स से यू प्रेस वन एट द वेरी बिगिनिंग, क्या आपके मेन्यू ने वन को प्रोसेस करके उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट मेन्यू ऑप्शंस शो कर दी हैं या प्रोसेस कर दी हैं, या यू हैव टू वेट टिल द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू इनपुट योर मेन्यू. इस सारे के सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं और उनको प्लान करके चीज़ें चलना होती हैं. तो वॉइस बेस्ड यूजर के अंदर आपको ये भी देखना है कि डायलॉग्स डायरेक्टेड हैं या नहीं है, क्या अगर आप उससे बात कर रहे हैं उसको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो डज द सिस्टम हैव अ लिमिटेड सेट ऑफ प्री रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज जिनके अंदर से उसने चूज करना है, ये एक्चुअली इट विल फॉर्म द रिस्पॉन्सेज बेस्ड ऑन द क्वेरी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रेडिशनल सिस्टम्स पे जाएँ तो उस पर अगर आप उससे कन्वर्सेशन सिस्टम से पूछते थे कोई चीज़ लेट्स से हाउ इज़ द वेदर टूडे, तो इट माइट हैव जनरली सेड द वेदर इज गुड,
या द वेदर, आई डोंट नो अबाउट द वेदर, ठीक है, बट इफ यू गो टुडे और अलेक्सा से या गूगल असिस्टेंट से आप यही इंक्वायरी करें, तो इट इज़ वेरी लाइकली कि वो आपको वेदर फोरकास्ट को रीड करके, वेब से उसको एक्सट्रैक्ट करके, उसकी इंटरप्रिटेशन में अपना एक सेंटेंस क्रिएट करके आपको कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स दे, द वेदर इज गुड टुडे, वी आर एक्सपेक्टिंग सम रेन, बट द ओवरऑल टेम्परेचर विल स्टिल बी मेंटेन्ड एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी टू कोल्ड एट नाइट. नाउ यू हैव गिव, द सिस्टम हैज़ इंटरप्रेटेड योर क्वेश्चन, रिस्पॉन्डेड टू योर क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ सर्टन टेम्पलेट, बट पॉपुलेटेड दैट टेम्पलेट विद द डेटा दैट वॉज गिवन टू इट या दैट वॉज एक्वायर्ड बाई इट यूजिंग सर्टन डिफरेंट अदर सोर्सेस. वॉइस असिस्टेंट्स में आपके पास अलेक्सा की एग्जाम्पल है, सीरी की एग्जाम्पल है, गूगल के असिस्टेंट की एग्जाम्पल है, विच आर वेरी फ्रीक्वेंटली बींग यूज टू कम्युनिकेट टू कंट्रोल डिवाइसेज एट डिफरेंट होम्स एंड प्लेसेस. तो ये सारे के अंदर वॉइस बेस्ड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है. देर इज ऑलवेज अ चांस कि आपके मिसकम्युनिकेशन हो जाए, तो इस चीज को केटर करना, उस चीज को कंसिडर करना ड्यूरिंग योर डिजाइन डिसीजन इज वेरी वेरी क्रिटिकल. रिसर्च एंड डिजाइन कंसिडरेशन, हाउ टू डिजाइन सिस्टम दैट कैन कीप कन्वर्सेशन ऑन ट्रैक, हेल्प पीपल नेविगेट एफिशिएंटली थ्रू अ मेन्यू सिस्टम. तो आपको ये कि यू हैव टू बी केयरफुल कि जब आप ऐसा सिस्टम डिजाइन करें तो लोगों को ये सेंस देना कि कम्युनिकेट करना कि एक्चुअली वेयर दे आर, व्हाट काइंड ऑफ ऑप्शंस दे डू हैव एंड हाउ टू यूज दोज ऑप्शंस इफेक्टिवली, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. फिर डिपेंडिंग ऑन विच कल्चर एंड एनवायरमेंट यू आर डिप्लॉइंग योर प्लेटफॉर्म, यू मे ऑल्सो हैव टू डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू यूज अ मेल और फीमेल वॉइस, यू वॉन्ट टू यूज अ सर्टन डायलैक्ट, विच लैंग्वेज डू यू वॉन्ट टू यूज, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी हो.